ओडिशा के जयपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले का सबूत मांगने पर शुक्रवार को विपक्ष को लताड़ लगाई। पीएम मोदी ने ओडिशा के जयपुर में एक चुनावी रैली में कहा, एक महीना हो गया है, पाकिस्तान अभी भी शवों की गिनती करने में व्यस्त है और हमारे प्रतिद्वंद्वी यहां सबूत मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, जब भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, उनके घर में घुसकर उन्हें मारता है, तो ये लोग सबूत मांगते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए जो भारतीय सशस्त्र बलों और वैज्ञानिकों की क्षमताओं का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थित जन समूह से पूछा, क्या आपको भारतीय सेना पर भरोसा है? भीड़ ने इसका जवाब हमें दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने फौरन कहा, लेकिन हमारे विपक्ष को भरोसा नहीं है। पीएम मोदी ने एंटी सैटेलाइट एसेट मिसाइल के सफल परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा, दो दिन पहले ओडिशा एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जिसने दुनिया को भारत की क्षमता दिखाई। भारत अब अंतरिक्ष में भी चौकीदारी कर रहा है। कांग्रेस और बीजू जनता दल बीजद पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ओडिशा में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है तो भी राज्य में लोग गरीब हैं, जो कांग्रेस और बीजद की राज्य में विफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ओडिशा तभी सशक्त बन सकता है जब भाजपा की ओडिशा और केंद्र दोनों में सरकार बने। प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल या लहजे में कहा, क्या चिटफंड घोटाले में फंसे लोग ओडिशा को मजबूत बना सकते हैं? जो लोग खनन माफिया के साथ काम कर रहे हैं और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, क्या वे ओडिशा को मजबूत बना सकते हैं? हमें एक मौका दें और बदलाव देखें। पीएम मोदी ने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन डीएमएफ फंड के तहत जमा 6,500 करोड़ रुपए में से राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए महज 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने से वंचित करने को लेकर ओडिशा सरकार पर भी कटाक्ष किया। ओडिशा में 11, 18, 23 और 29 अप्रैल को लोकसभा और विधानसभा सीटों पर मतदान होगा।